जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टेम्पोरी हार्डनेस की और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की। तो वहां पर मैंने आपसे बोला था कि हम आपसे बात करेंगे कि जो हमारे पास हार्डनेस है उसको कैसे हम रिमूव करें, दैट मीन्स जो हमारे पास हार्ड वाटर है उस वाटर को कैसे हम सॉफ्ट करें। बिकॉज आप जानते हैं जो हमारे पास हार्ड वाटर है वो अच्छा हमारे पर्पज के लिए नहीं है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर टेम्पोरी हार्डनेस है तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारे पास टेम्पोरी हार्डनेस की बात करते हैं उसके लिए आपको माइंड में ये रखना होगा कि यहाँ पर जो वाटर है उसके साथ में आपका क्या है, या तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अदरवाइज आपके पास क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। अदरवाइज आपके पास क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। और ये हमारे कैसे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम रिमूव करेंगे, दैट मींस हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है वो आपका है बॉयलिंग। सबसे पहला मेथड क्या है, बॉइलिंग। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, वाटर को बॉइल करना होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये भी समझना है कि वाटर को बॉइल करने का मीनिंग ये नहीं है कि आपने गैस को ऑन की और 2 मिनट्स के लिए वाटर को रखा और उसके बाद आपने बोला दैट मीन्स वाटर हमारा हीट हो गया। नियर अबाउट जो आपको हीट करना है वो आपको करना क्या है, नियर अबाउट 15 मिनट। कितना टाइम आपको देना है, नियर अबाउट 15 मिनट। जब आप 15 मिनट देंगे तभी आपका जो टेम्प्रोरी हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं जब हम बॉइलिंग करते हैं तो बेसिकली हो क्या जाता है। जब हम बॉइलिंग करते हैं तो जो आप हार्ड वाटर में जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या आपका जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है जो आपका सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये उस पार्ट में ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स सिंपल इसका कार्बोनेट और इसका हाइड्रोक्साइड हमें देखने को क्या मिलता है कि वो आपका इनसॉल्युबल का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देगा, इनसॉल्युबल का फॉर्मेशन कर देगा। अभी ये सॉल्युबल है वो कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। और जब आपका वो इनसॉल्युबल हो जाएगा दैट मीन्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। और जब आपका सेटल डाउन हो जा रहा है तो मीनिंग आपको ये समझना है कि अब वाटर आपका कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसको बॉइलिंग करने पर बेसिकली होगा क्या। तो जैसे अगर हम दोनों को कॉमन ले लें, जो जो हमारा कैल्शियम है और मैग्नीशियम है कॉमन ले लें, तो एक सिंपल रिएक्शन हमारे पास मेटल है और यहाँ पर आपका क्या है, बाइकार्बोनेट है, दैट मीन्स या CO3 है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, हीट करने पर बेसिकली ये देखा गया आपका ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल कार्बोनेट में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ये भी राइट कर लेंगे। तो मीनिंग क्या समझना है आपको, ये आपका कैसा होगा, ये आपका सॉल्युबल है और जो दूसरा हमारा बना ये क्या हमारा है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। कहाँ पे, जब भी आप सॉफ्ट से रिएक्शन करा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि दैट मीन्स अभी ये हमारा हार्ड वाटर था, आपको क्या करना था, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना था। आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। दैट मीन्स हीट करने का मतलब एक्चुअल में आपका क्या है, वाटर है और इसी वाटर में आपका प्रेजेंट क्या है, दैट मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट अदरवाइज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो आपका सॉल्युबल है। जब आप हीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस अदर एग्जांपल्स जो हमारे पास रियल है, अगर हम रियल एग्जांपल्स की बात करना चाहें तो जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो अभी जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका सेटल डाउन हो जाएगा। साथ में वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि दैट मीन्स ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। और जो आपका ये कार्बोनेट है, बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये कैसा है, आपका इनसॉल्युबल है।
दूसरी अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम को लेकर, तो कहीं कहीं पर मैग्नीशियम को हमें देखने को क्या मिलता है, कार्बोनेट तो होगा ही, साथ में यस जब इसको हम हीट करते हैं तो आपका क्या बना लेता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी जो फॉर्मेशन होता है वहां पर भी हम देखेंगे आपका क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और साथ में यहाँ पर हायर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो आपका ये फर्स्ट मेथड है, दैट मींस जो हमारे पास टेम्पोरी हार्डनेस है उसको कैसे हम रिमूव करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग बॉइलिंग करेंगे, नियर अबाउट 15 मिनट्स तक हमें बॉइल करना होगा वाटर को। जो आपका मेटल बाइकार्बोनेट है, दैट मींस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अदरवाइज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, वो आपका क्या हो जाता है, सॉल्वल से इनसॉल्वल में कन्वर्ट हो जाता है। इनसॉल्वल में कन्वर्ट हो गया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर लेंगे, और जब फिल्टर कर लेंगे दैट मींस अब आपका वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। इट मींस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज दैट मींस अपने क्लॉथ्स को धुलने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बिकॉज आप जानते हैं हार्ड वाटर लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता, बट जब आपका सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, लेदर का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये फर्स्ट मेथड की बात मैंने की। दूसरे मेथड की हम बात करते हैं यहां पे, जो यहाँ पर दूसरा मेथड है वो आपका है बाई एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा टेम्पोरी हार्डनेस है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। आइए बात करें उस टाइम होता क्या है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, ये आपके कार्बोनेट में हो जाते हैं। अभी आपके ये कैसे होते हैं, सॉल्वल होते हैं, और जब हम यहाँ पर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा ये इनसॉल्वल हो जाएंगे, और जब ये इनसॉल्वल हो जाएंगे तो इनको हम बाई फिल्टर करके फिल्ट्रेट कर लेंगे, और आपका जो हार्ड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल वे हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि जैसे हम रिएक्शन कराते हैं किसका फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब आप इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहां पर बन क्या जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अभी ये कैसा था, अभी आपका ये सॉल्युबल था, ये कैसा था, सॉल्युबल था। अब ये आपका कैसा हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया, इनसॉल्युबल हो गया। कैसा हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय फिल्ट्रेशन इसको अलग कर सकते हैं अपने हार्ड वाटर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, यहां पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। एक तो आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। दूसरा बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। साथ में जो और बाहर आपका आता है दैट मींस 2H2O, ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पर देखेंगे ये भी हमारा क्या है, सॉल्युबल है, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अगर एक साथ हम ले तो हमारे क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली टू मेथड्स की बात कर रहे हैं, एक तो हम बॉइलिंग करेंगे तब भी आपकी जो टेम्पोरी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि दैट मींस जब इसमें हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं कार्बोनेट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और जब प्रेसिपिटेट हो जाए उनका फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम लोग उसको फिल्टर कर लेंगे, और हमारा जो हार्ड वाटर है ये किस में बदल जाएगा, सॉफ्ट वाटर में बदल जाएगा। दैट मीन्स हमें करना ही क्या था, जो हमारे पास हार्ड वाटर है उसी को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर मैंने बात की कि दैट मीन्स जो टेम्पोरी हार्डनेस है उसको कैसे हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे देखेंगे जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की उसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं। साथ में आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।